धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन, सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद बीसीसीएल की समीक्षा करेंगे। कोयला नगर स्थित शहीद स्थल पर शहीद शम्बीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर इको पार्क में पौधारोपण करेंगे। आरबीबी हाई स्कूल राजगंज में मिनी साइंस लैब का उद्घाटन कर विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। बीसीसीएल के सिसवा में अग्नि प्रभावित स्थल का दौरा कर लोगों से बातचीत करेंगे। मुनिडीबो विगत खादान का भी निरीक्षण करेंगे। कंसुंडा एरिया के एनएफ फायर पैच का निरीक्षण कर आग के बीच कोयला खनन देखेंगे। कोयला नगर स्थित अन्नपूर्णा हॉल में सीएसआर प्रोजेक्ट की घोषणा करेंगे। बीसीसीएल के सिसवा में अग्नि प्रभात स्थल का दौरा कर लोगों से बातचीत करेंगे। मोरिडी भूमिगत खदान का भी निरीक्षण करेंगे। कुसंडा एरिया के एनएफ फायर पैस का निरीक्षण कर आग के बीच कोयला खनन का निरीक्षण करेंगे। कोयला नगर स्थित अन्नपूर्णा हॉल में सीएसआर प्रोजेक्ट का घोषणा करेंगे। तो केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद बीसीसीएल की समीक्षा करेंगे। कोयला नगर से अन्नपूर्णा हॉल में सीएसआर प्रोजेक्ट की घोषणा करेंगे। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री के झारखंड दौरे का दूसरा दिन है। बंटी जुड़ चुके हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। बंटी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आज दौरे का दूसरा दिन है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके आज? जी, मैं बता दूं कि कोयला मंत्री कल देर रात 1:30 बजे के करीब कोयला भवन पहुंचे हैं और अभी उनका कुछ देर में शहीद स्मारक को वो जो शहीद स्मारक है कोयला भवन में वहां पर वो पुष्पित करेंगे शहीदों को, और उसके बाद उनके कार्यक्रम जो यहाँ से है वो राजगंज के कई क्षेत्रों में है। मुनिडी है, भूमिगत माइंस एरिया का भी उनका है, गलगड़िया स्थित जो है वहाँ भी उनका दौरा है। कोयला नगर में अन्नपूर्णा हॉल है, वहाँ पे संवाद करेंगे, इसी तरह के कई कार्यक्रम। उसके बाद दोपहर का उनका जो है विधायक राज सिन्हा के यहाँ भोजन का जो कार्यक्रम है उनका, उनके साथ उनका संवाद है वहाँ पे, और इसी तरह दिन भर का उनका शेड्यूल कार्यक्रम है। शाम तकरीबन शाम को यहाँ से वो रामगढ़ के लिए निकलेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए बंटी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।